नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने से पहले आपको कम से कम 10 तक का वर्ग आना जरूरी है इसको सोल्व करने के लिए। और हम डिस्कस करेंगे इसमें शॉर्ट ट्रिक, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे अगर कोई संख्या दे रखी है और उसका पूर्ण वर्गमूल क्या होगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो मैंने यहाँ पे 10 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। हमने सबसे पहले लिखा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है ना, तो इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 9। अब ये चीज देखो कि इसका इकाई का अंक जो है संख्या का, वो किस किस में सेम है। ठीक है ना, देखो इकाई का अंक, जैसे कि इसमें और इसका इकाई अंक सेम है, यानी कि 1 और 9 का इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। 4, 4 यानी कि इसमें सेम, तो किस किस का, यानी कि 2 का और 8 का सेम होगा। 9, 9 ये किसके लिए, 3 का और 7 का सेम होगा। 6, 6 यानी कि 4 और 6 का सेम होगा, और 5 का कॉमनली 5 होगा। ठीक है, तो ये दिखाता है अपना कि कोई भी संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या होगा, वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। अगर हमको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो उससे पहले आपको ये चीज देखनी है कि वो संख्या जो दे रखी है उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर उस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अगर ये संख्या हो, तो आप ये देख लेना कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर अपन को ये संख्या में कोई सी संख्या आ रही है और अपन को निकालना है कि उसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको ये 77, 44। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना, कैसे निकालेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, 4। 4 कौन कौन सी संभावना बनती है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अब इसमें अगर 2 लेना है या 8 लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या करना है, इसका जो सेकेंड अंक होगा यानी दहाई का अंक होगा इसको छोड़ देना है। बाद में जो बची संख्या, इसकी संख्या को देखना है कि इसका वर्ग देखना है, किसका वर्ग देखना है, कि इससे छोटी संख्या का वर्ग देखना है। तो इसके छोटी संख्या कितना है, 8, 8, 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 9 का स्क्वायर 81। अब अपन को यहाँ पे लेनी कौन सी संख्या है, इसमें इससे छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है, 8 का स्क्वायर है 64, तो 8 होगा। अब अपन को इसकी जो आगे की संख्या है वो लेनी है। अब आगे की संख्या कैसे डिफाइन करेंगे कि अगली संख्या 2 होगी या 8 होगी, तो अपन को इसमें ये देखना है कि जो 64 और 81 है, ठीक है ना, वो 77 से किसके अधिक पास में है। ठीक है ना, 64 के पास में 77 से या 81 है, तो इस पे कौन सा है, 81। तो 81 यानी कि अपन को 8 लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 88। अगर सिमिलरली अगर दूसरा वो देखें कि 92 और 16 है, ठीक है, 92 और 16 इसका क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या है मेरा, 6। 6 की कंडीशन क्या बनेगी, या तो 2 या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। अब मैंने बोला कि दाई का अंक को छोड़ देना है। अब देखो 92, ठीक है, 92 से छोटी संख्या का वर्गमूल क्या हुआ, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और 10 का स्क्वायर यानी 100। अब ये देखना है कि मैंने बताया कि आपको पहले छोटी संख्या लेनी है, यानी कि इसका फर्स्ट अंक क्या हो जाएगा मेरा, 9। लेकिन अब इसमें के 4 आएगा या 6 आएगा, इसको कैसे देखेंगे कि 92 के जो पास में होगा, 92 जिसके पास में होगा उसकी संख्या को लेंगे। 92 किसके पास में है, 100 के पास में, यानी कि 6, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आएगा मेरा, 96। अगर तीसरा क्वेश्चन देखें इसमें कि 13, 924 इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या है, 4। 4 होने की संभावना कहाँ कहाँ पे है, 2 पे या 8 पे।
या तो दो होगा या फिर आठ होगा। इसका दाएका अंक छोड़ देना है। फिर ये तीन अंक हो गए। अब तीन अंकों का अपन वर्ग देखे हैं, ठीक है ना, छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि 11 का, ठीक है ना। 11 कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। मैंने बताया आपको छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या क्या है मेरी 11। अब इसमें दो आएगा या आठ होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि 139 है वो किसके पास में है, 144 के पास में, यानी कि आठ। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 118। अगर आगे देखें 50, 176, 50, 176 की संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो मैंने बताया कि आपका इकाई का अंक क्या है, 6। 6 होने की संभावना या तो 4 होगी या फिर 6 होगा, ठीक है। दाई का अंक को छोड़ देना है, ताकि जो बची संख्या है इसका क्या लिखना है अपन को, छोटी संख्या का वर्ग देखना है। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा 500 का, 500 से कम का, देखो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर 484, और 23 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट संख्या क्या आ जाएगी मेरी 22, ठीक है ना। अब इसमें अगर चार लेना है या छह लेना है वो किस पे डिसाइड करेंगे, कि 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर जो जिसके पास में होगा उस संख्या को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 23 का स्क्वायर निकालता हूं तो 23 का स्क्वायर क्या आएगा मेरा, बनाता हूँ 529, ठीक है। अब ये किसके पास में है, 484 के पास में है, ठीक है ना, किसके पास में, 484 के पास में। तो इसका अंक क्या आएगा मेरा 4, तो इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल 224, ठीक है। अब हम बात करते हैं घनमूल के लिए। तो घनमूल निकालने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि उसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या होने की संभावना है, ठीक है। अगर ये इकाई के अंक हो तो उसका पूर्ण घनमूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9। अब इसमें गए ये देखो कि कौन कौन से, अगर ये इकाई के अंक आते हैं तो इसका पूर्ण घनमूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो अगर, और इसके अलावा अगर इसका इकाई का अंक क्या हो कि ठीक है, इसमें सदिया होगा, ठीक है ना, उसका घनमूल निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, जैसे कि अगर कोई संख्या दे रखी है, ठीक है ना, कोई संख्या दे रखी है आपको कि 21952 है, ठीक है ना, 21952 संख्या है, ठीक है ना। इसका क्या निकालना अपन को, घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट से सबसे पहले अपन देखेंगे इसका इकाई का अंक क्या है, ठीक है। इकाई का अंक देखा, उसके बाद में इसका दाइका अंक और सैकड़ा का अंक को छोड़ देना है। बाद में जो बची संख्या इसका क्यूब देखना है, वो भी छोटी संख्या का, ठीक है, क्यूब देखना है वो भी छोटी संख्या। तो सबसे पहले देखो आप इसका इकाई अंक क्या है, 2, 2 यानी कि 2 यानी 8, ठीक है, 8 भाई। मैंने बोला दाइका अंक और सैकड़ा का अंक को छोड़ देना है। इसके बाद में आता है 81, 21, सॉरी 21, ठीक है। 21 से नीचे का क्यूब, संख्या का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब 27, अपन को लिखना है इसके छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या जाएगी मेरी 2 का क्यूब यानी कि 28। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 28, यानी कि 28 का क्यूब क्या आएगा मेरा 21952, ठीक है 21952। ठीक, अगर इसके द्वारा अगर दूसरे क्वेश्चन करें, ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या मेरा 3, 3 होने की संभावना, 7 पे दाई का और सैकड़ा का अंक को छोड़ देना है, लास्ट में बचे जो संख्या का इसका क्यूब देखना है, तो क्यूब 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, छोटी संख्या को लेना है यानी कि 1, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 17। ठीक, अगर इसके अलावा और देखे क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका निकालो, इसका कैसे निकालेंगे, इसका इकाई का अंक 7 यानी कि 3, दाई और सैकड़ा का अंक को छोड़ देना है, बाकी जो संख्या का इसका छोटी संख्या का क्यूब 1 यानी कि 13। अगर कोई संख्या दे रखी है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे अपन, या पूर्ण संख्या दे दी गई थी जैसे कि 1, 9, 2, 5, 3, ठीक है ये संख्या दे दी, अब मेरे से बोला कि इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना, तो वर्गमूल कैसे निकालूंगा कि मेरे को मालूम है कि जिस संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो उसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले इस तरह से लिखना है, ठीक है, अब इसको लास्ट में के ग्रुप बनाने हैं, 2 का ग्रुप बनाना है और ये फर्स्ट, ठीक, अब इसमें के सबसे पहले एक मैं किसी संख्या का भाग दूंगा मैं, ठीक है ना, तो एक मैंने माना कि एक में एक का भाग दिया, कितने बार गया, एक बार गया, ऊपर लिखेंगे एक, उस संख्या को जो लिखा है कितने बार गया है उसको क्या करना है उसमें एक पे ऐड कर देना है, ठीक, इन संख्याओं पे घटाना है इसको, कितना आया 0, अगली संख्या को लिखना है 92, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है 2। अब अगली संख्या ऐसी संख्या लेनी है कि जो ये संख्या आएगी उसको उससे गुना करने पर ये अंक आना चाहिए, इससे कम का अंक आना चाहिए, यानी कि मैं अगर लिखता हूं 4 लिखा, ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पे भी 4 आएगा, 24 को मैं अगर 4 से गुना करता हूँ तो कितना आएंगे मेरे 96 यानी कि 96 आएंगे, लेकिन ये तो 92 से ज्यादा हो गए, लेकिन अपन क्या करना है इसे कम कर लेना, यानी कि बन गया 23, 23 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 3 3 9, 3 2 6, अब यहाँ पे जो संख्या आई है उसको क्या करना है अपन को यहाँ पे लिख करके इसको ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको घटाना है, तो 92 में गए तो 3 और 8 में 6 गए तो 2, ये कितना हो गए 26, ठीक है, अब अगली संख्या इसको लिख देना है, ठीक है, इसको लिखने के बाद में अब ऐसी संख्या लेनी है कि उसको उस संख्या से गुणा करने पर इसे कम का अंक आना चाहिए, यानी कि मैं अगर 8 लेता हूँ, ठीक है, या 7 लेता हूँ, ठीक है ना, 7 को यानी कि 267 को अगर मैं 7 से गुणा करूँ, 7 7 4 4 7 42 42 4, ठीक है, इतना आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 8 से करता हूँ 267 यानी कि 68 को 8 से 64 6 8 5 48 56 5 16 16 5, यानी कि मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ और इधर भी 8 लिखता हूँ, ठीक है ना, तब कितना रहे 64 8 6 48 48 56 5 8 16 16 5 21, 8 यहाँ पे क्या किया ऐड करना है, कितना हो गए 2, यानी कि 8 16 6 7 276, और यहाँ पे घटाने पे कितनी संख्या आई 93 के 4 गए तो
नौ, पांच में कैसे चार गए थे, यानी कि चार में चार गए जीरो, और यहाँ पे दो, यानी कि 209। अब यहाँ पे क्या है कि इस पे नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या नहीं है तो अपन क्या लगेंगे इसमें पॉइंट, और यहाँ पे क्या जाएगा मेरा जीरो। अब यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लू, ये संख्या है ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इस पे एक भी लेता हूँ तो भी ये संख्या क्या है मेरी छोटी, इस पे और ये क्या है बड़ी, नहीं जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक और जीरो लगाता, ठीक, एक और जीरो लगाया। अब देखते हैं तो इस पे अगर मैं मान लेता हूँ नौ, नौ पे या आठ, ठीक है ना, आठ मानते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वो 138 पॉइंट में कुछ जो संख्या आएगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं दिया हुआ है, किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, तो उसको अपन इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।